क्या कुछ मांग है आप लोगों की, किस लिए इस कोरोना काल में आप लोग धरने पे बैठे हैं, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई? कोरोना की वैश्विक महामारी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विफलता के खिलाफ आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे सूबे बिहार के 38 जिलाओं में तमाम गांव, पंचायत, अंचल, जिला, आम नागरिक जो कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक हैं, नेतृत्व के साथी हैं, आम आवाम के साथ आज घर पर बैठकर, पार्टी कार्यालय में बैठकर, विभिन्न अपने आवास के अंदर कोरोना के गाइडलाइन को मानते हुए धरना पर बैठे हुए। यह धरना 12 बजे दिन से 3 बजे तक पूरे सूबे बिहार के सभी गांवों के अंदर हजारों हजार जगहों पर होगा। हमारी मांग है कि कोरोना काल में पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था कोलैप्स हो गया, पूरे बिहार के अंदर सरकारी अस्पताल, गैर सरकारी अस्पतालों में समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी, विभिन्न दवाओं की कमी, विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणों की कमी, चिकित्सकों की कमी, विभिन्न तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था में हम कोरोना में अत्यधिक पीड़ितों को जान नहीं बचा सके। आज लाश का अंबार पूरे बिहार में खड़ा हो गया, लाशें गंगा नदियों में बह रही है, किनारे गाड़ी जा रही है। हमारी मांग है कि पूरे बिहार के अंदर स्वास्थ्य चिकित्सा में मूलभूत सुधार हो, ग्रामीण स्तर तक चिकित्सा की सुविधा सुनिश्चित की जाए, तमाम गांवों में अविलंब टीका केंद्र खोल कर वैक्सीनेशन किया जाए, आम गरीब पीड़ित जो प्रवासी मजदूर हैं, गांव के मजदूर हैं, उनको रोजगार मिले और 6 महीने तक उसको राशन मुफ्त मुहैया कराई जाए, तमाम जो इनकम टैक्स पे होल्डर के अलावे नागरिक हैं उनको प्रति परिवार 7,500 रुपये प्रति माह 6 महीने तक लगातार चलाया जाए। शिक्षित अशिक्षित बेरोजगार नौजवान जो बेरोजगार भूख के करार पर हैं, तमाम को 7,500 रुपये प्रति माह आप बेरोजगारी भत्ता दीजिए। वृद्धावस्था लोगों को 400-500 रुपये मात्र से काम चलने वाला नहीं, तमाम वृद्धावस्था के नागरिकों को 5,000 मिनिमम रुपया का इंतजाम कीजिए। और हमारा यह आप सरकार से है कि अभी पंचायत चुनाव में भी पंचायत में जनप्रतिनिधियों का सेवा विस्तार 6 महीने तक के लिए कीजिए, विभिन्न बिजली मुफ्त मुहैया कीजिए, तमाम कर्ज माफी कीजिए, तमाम पानी का मुफ्त इंजाम कीजिए, तमाम टैक्सेशन को अभी कोरोना पीरियड का माफ कीजिए, और विभिन्न सवालों जो जनता के कोरोना से जुड़े हुए हैं इस सवाल पर हम लोगों ने आज 25 मई को 12 बजे से 3 बजे हम धरना आयोजित किया है। सरकार मेरे मांगों को तीव्र गति से लागू करने की दिशा में कार्रवाई करे,
अन्यथा हम अगली आंदोलन किब आंदोलन के लिए फिर पूरे बिहार में आगे भारतीय कांग्रेस पार्टी जाएगी। राम नरेश पांडे सचिव भारतीय कांग्रेस पार्टी राज्य परिषद बिहार। वैश्विक महामारी कोरोना काल चल रहा है, ऐसे हालात में हमारे देश की और राज्य की जो सरकार पूरे तौर पे हम कहें तो निरंकुश का रूप धारण कर चुकी है। आप जान रहे हैं कि जिस तरह से जो भी कोरोना पीड़ित लोग या कोरोना काल में जो उनके घर के ऊपर छत का साया नहीं है, जिनको उठाने जाने का कोई इंतजाम नहीं है, उनके लिए बगैर कोई इंतजाम के लॉकडाउन आपातकाल की तरह घोषित करके लोगों को सीधे तौर पर जान से मारने की साजिश आप देख रहे हैं। कल ही के अखबार में छपा है कि इस तरह की हालात बने हुए हैं जिनके पास खाने की इंतजाम नहीं है और दवा कंपनियों के 80% तक का मुनाफा हो रहा है। आप इस बात को तय कीजिए कि दवा कंपनियों के मालिक कौन है और सरकार और पूंजीपतियों का यहाँ कैसा खेल चल रहा है। हम तो समझ रहे हैं कि आपदा नहीं, सरकार और पूंजीपतियों के लिए एक अवसर बना हुआ है। दूसरी बात हम कहें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज पूरे बिहार का राज्यव्यापी मतलब धरना का आयोजन किया है। हर पंचायतों में, हर प्रखंडों में, हर जिलों में, हर कस्बों में आज लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सीधे तौर पे सरकार से यह बात का मुखालफत करते हैं कि अगर तुम जनता का हित नहीं कर सकते हो, अगर तुम लोकतंत्र को नहीं बचा सकते हो तो तुमको इस गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं है। और अभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सरकार को सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से हम आगाह करते हैं, अभी भी वक्त है। जो पूंजीपतियों के साथ तुम्हारा यह आंख बिचौली का खेल चल रहा है, जो पेट्रोल डीजल का खेल मुनाफे की जो धंधा बना के बैठे हुए हो, आज गरीब के अंदर सब्जी के अंदर से करुआ तेल गायब हो गया। पेट्रोल डीजल पर हल्ला चल रहा था तब तक करुआ तेल सबसे ऊपर भाग गया। बताइए यह कैसा खेल चल रहा है। बहुत बेशर्मी के साथ सरकार कहती है कि हम ऑनलाइन पढ़ाने की बात करेंगे। बताइए कितने प्रतिशत लोगों के घर के अंदर मोबाइल है और कैसे उस बच्चे का शिक्षा का व्यवस्था हो पाएगा। इस बात पे सरकार पूरे तौर पे चुप्पी साधे हुए। पिछले दिनों भी ऐसे अपने सवाल को पुरजोर तरीके से उठाया था कि अगर सरकार ऑनलाइन पर ढोल पीटती है तो सारे विद्यार्थियों के लिए टैब और स्मार्टफोन का व्यवस्था करे, साथ ही साथ इंटरनेट युग की हर मोहल्ले में, हर इलाके में इंटरनेट का भी इंतजाम हो ताकि हर बच्चे, कोई भी जो विद्यार्थी है चाहे किसी भी क्लास का हो, वह शिक्षा से महरूम ना रह सके। सिर्फ और सिर्फ यह सरकार की दावे जो है उसकी पोल खुलती हुई दिख रही है। और अब तमाम लोग यह बात से परिचित हैं, जो भी लोग इसके खिलाफ मुखालफत कर रहे हैं उनको सीधे तौर पर हिटलर शाही रवैया अपनाते हुए उनको जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है। अभी भी लगभग महीने दिनों से बीएसएफ का राज्य उपाध्यक्ष छात्र नेता रजनीकांत कुमार खगड़िया के अंदर जेलों में बंद है। क्या कसूर था उनका? कसूर यही था कि हमारे विद्यार्थी जो हैं उनको पढ़ने का संसाधन मुहैया कराया जाए। पूरे तौर पे कोरोना काल में इनके अफसरशाहों को खुला मतलब आदेश है कि जो मन मर्जी आप कर सकते हैं। अभी बहुत तत्काल की घटना बता रहे हैं कि बेगूसराय के अंदर बीएसएफ के छात्र नेता के ऊपर वैक्सीन दिलाकर वापस आ रहे थे, उनके ऊपर वहाँ के सीओ ने लाठीचार्ज किया है। यह कैसा शासन चल रहा है बिहार के अंदर? इस बात को जब बीएसएफ उठाता है तो सरकार उनके लोगों को जेलों के अंदर बंद करती है। यह धरना के माध्यम से हम कहना चाहते हैं सरकार को, तुम्हारे जेलों के अंदर जगह कम पड़ जाएगी। एक प्रचंड विद्रोह का आप निमंत्रण दे रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, इस बात का ऐलान बीएसएफ कर रहा है। अगर अभी भी वक्त है नहीं संभले तो आने वाले दिनों में यह देश और यह बिहार, यह प्रकाश नारायण की संपूर्ण आज़ादी का आंदोलन का यह धरती रहा है। और अगर आप नहीं मानेंगे हमारी बात, अगर जनता के हितों की चिंता नहीं करेंगे, अगर पूंजीपतियों के साथ आंख मिचौली का खेल खेलते रहेंगे, राजभवन के नाक के नीचे पारस अस्पताल में महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है और मुख्यमंत्री के मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है, यह कैसा सुशासन का रोल बच रहे मुख्यमंत्री? इस बात को लेकर के पूरे बिहार का छात्र, युवा, किसान, मजदूर तमाम लोग सजग हो चुके हैं और सारा इनका पोल पट्टी खुल चुका है। आने वाले दिनों में बिहार की जनता, देश की जनता यह सब चीज़ देख रही है और इनको पुरजोर जवाब। जनमेजय कुमार, राज्य।